नमस्कार पीआरडी भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राजू हेल्प में। पीआरडी जवानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। पीआरडी जवानों के लिए एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है। उत्तर प्रदेश के समस्त पीआरडी जवानों की मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है तथा यथोचित समय निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। दोस्तों, जैसा कि आपको बताई होगा कि बीती जो 8 तारीख को, दोस्तों 8 दिसंबर को जो एक बैठक हुई थी, उसमें पीआरडी जवानों समस्त अन्य कई विभागों के कर्मचारियों की, दोस्तों यहां पर संबंधित मांगों के संबंध में एक बैठक हुई थी। उसके बैठक के बाद दोस्तों पीआरडी जवानों की विभिन्न मांगों पर सरकार द्वारा सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही होगा कि पीआरडी के जवान लगातार मांग कर रहे हैं कि उनको युवा कल्याण विभाग से अलग किया जाए, पीआरडी जवानों को समान कार्य समान वेतन दिया जाए, न्यूनतम वेतन दोस्तों कम से कम 18,000 दिया जाए, साथ ही जो होमगार्ड जवानों को वेतन मिलता है दोस्तों उनके बराबर इनको वेतन दिया जाए, ऐसी दोस्तों इनकी मांगे हैं। इसी के साथ ही दोस्तों यहाँ पर जो मृतक पीआरडी जवान हैं उनके आश्रितों को कम से कम 10 लाख रुपये की एकमुश्त सहायता दी जाए। सरकार द्वारा इनकी सभी मांगों पर विचार किया जा रहा है, जल्दी इसके बारे में दोस्तों सरकार द्वारा निर्णय लिया जाए। क्या है अपडेट, तो इस वीडियो में इसके बारे में पूरी जानकारी डिटेल के साथ देने वाले हैं, तो इस वीडियो पर अंत तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे इस चैनल पर पीआरडी जवानों से जुड़ी कोई भी लेटेस्ट अपडेट आए तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों, हम आज को उस अपडेट की तरफ, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल महानिदेशालय उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा एक पत्र जारी किया गया जो कि 9 दिसंबर 2021 को जारी किया गया। दोस्तों, आप यहां पर डेट देख सकते हैं 9 दिसंबर 2021 की है और यहाँ पर सेवा में इन्होंने समस्त मंडलीय उपनिदेशक युवा कल्याण एवं प्रांतीय रक्षक दल उत्तर प्रदेश, समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी उत्तर प्रदेश को यह पत्र भेजा है। विषय में इन्होंने लिखा है कि पीआरडी स्वयं सेवकों की मांगों के संबंध में, आप यहाँ पर देख सकते हैं, अवगत ही हैं कि पीआरडी स्वयंसेवकों द्वारा समय समय पर विभिन्न स्तरों पर अपनी मांगे प्रस्तुत की जाती हैं। इसी क्रम में इनके द्वारा शासन के समक्ष विभिन्न मांगे प्रस्तुत की गई जिस पर सरकार द्वारा सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है तथा यथोचित समय निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। उपरोक्त के संदर्भ में आपसे यह अपेक्षा है कि इस संबंध में वस्तु स्थिति से पीआरडी स्वयंसेवकों को भली भांति अवगत करा दें तथा उन्हें विश्वास में लेकर यह समझाना सुनिश्चित करें कि ऐसी स्थिति में किसी प्रकार के धरना प्रदर्शन का औचित्य नहीं है। इस संबंध में जिला प्रशासन को भी अवगत करा दें। आपसे यह भी अपेक्षा है कि पीआरडी स्वयंसेवकों से संवाद एवं समन्वय स्थापित कर उन्हें विभागीय नियमों, शासनादेशों तथा उनके हित में विगत 4 वर्षों में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के विषय के व्यापक रूप से अवगत कराएं तथा स्थानीय स्तर पर इनकी विभागीय समस्याओं का निराकरण भी सुनिश्चित करें जिससे कि वे किसी प्रकार के आधारविहीन व अपुष्ट तथ्यों से भ्रमित ना हो। विकासखंड स्तर पर इसी प्रकार की कार्रवाई हेतु क्षेत्रीय युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारियों को वह निर्देशित करें। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो उपनिदेशक हैं कृत्य महानिदेशक अजात सत्तुशाही के द्वारा यहाँ पर समस्त मंडलीय उपनिदेशक और जो समस्त जिला युवा कल्याण एवं प्रादेशिक विकास दल अधिकारी हैं दोस्तों, इनको पत्र जारी किया गया है। इसमें इन्होंने कहा है कि पीआरडी जवानों की जो विभिन्न मांगे हैं दोस्तों, इस पर सरकार द्वारा सकारात्मक रूप से विचार किया जा रहा है तथा यथोचित समय निर्णय लेकर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ ही इन्होंने कहा है कि पीआरडी जवानों को समझाएं दोस्तों, विश्वास दिलाएं कि यहाँ पर धरना प्रदर्शन जैसी कोई औचित्य नहीं है, इस संबंध में जिला प्रशासन को भी अवगत करा दें। और उन्होंने कहा है कि पीआरडी स्वयंसेवकों से संवाद व समन्वय स्थापित कर उन्हें विभागीय नियमों और शासनादेशों तथा उनके हित में विगत 4 वर्षों में सरकार द्वारा लिए गए निर्णयों के बारे में दोस्तों उनको अवगत कराएँ। तो दोस्तों, उम्मीद है कि चुनाव से पहले पीआरडी जवानों के लिए दोस्तों सरकार द्वारा कोई उचित कदम उठाया जाए। उम्मीद करता हूं दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। अगर हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि हमारे इस चैनल पर आने वाली अगली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँच सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद।